सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो पोकेमॉन यूनाइट। एंड गाइज, आज का ये गेम प्ले सेबलाई के साथ में होने वाला है। यस गाइज, आप लोगों को पता होगा सेबलाई यार पोकेमॉन यूनाइट में आ गया है। एंड गाइज, मैं आपको उसमें वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप यार सेबलाइज की कौन सी मूव्स को यूज कर सकते हो, कौन सी बेटर है। ओके, एंड वैसे तो यार गेम प्ले काफी ज्यादा ओपी होने वाला है, सो प्लीज यार वीडियो को एंड देखना, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जो भी चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल अपनी गेम प्ले पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग में अपोनेंट के जो प्लेयर है उनके यार सेंटर आया हुआ हूँ। एंड वैसे कहूँ तो दूसरों का सेंटर खाने में मजा ही कुछ अलग आता है। ओके, तो यहाँ पर चलो देखते भाई। देखो ये बंदे, अरे भाई दो दो बंदे आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जाइए जल्दी से निकल लेता हूँ क्योंकि भाई ये लोग मेरे को मार ही देंगे। एंड यहाँ पर चलो देखते भाई, मैं इनविजिबल हो गया और हमारा सेंटर है वो यार उर्शफू कर रहा है। चलो सही है, और मेरे पास देखो यार गोल है काफ़ी, मतलब ज़्यादा नहीं है, 4 गोल है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जल्दी से जल्दी अपनी लेवल को ग्रो करता हूँ। ठीक है, अगर आप मतलब यही जितनी जल्दी अपनी लेवल को ग्रो कर लोगे उतने ज़्यादा बेनिफिट रख सकते हो। मैं आपको यार पहली वीडियो में बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर वैसे मेरे पास एक मूव है वो है एस्टोनिश, जिसका पावर मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है डैमेज। एंड यहाँ पर 4 लीवर गाइस, इसकी एक और मूव्स ओपन हो जाती है, वो है नॉक ऑफ। तो यहाँ पर मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ। एंड वैसे इसकी यार दूसरी मूव्स एक और है, वो है उसका नाम है शेडो स्नीक। तो यहाँ पर आप शेडो स्नीक को लेकर मतलब कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बट यही है कि आप उससे इनविजिबल हो जाओगे। तो वैसे तो यार ये देखो, अगर आप इसकी हाई स्पीड में हो गए तो वैसे भी इनविजिबल हो जाएगा, तो उससे कोई बेटर है नहीं उसे लेने के बाद। बट जो नॉक ऑफ है वो क्या करता है, देखो वो एक तो 3 हिट देगा आपको, 3 हिट देगा, एंड आप बंदों को स्टन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस जैसे तो बीज आ चुके हैं, तो जल्दी से ये बीज को ले लेते हैं, और यहाँ पर चार स्टील कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। चलो यार 2 स्टील हो गई। एंड यहाँ पर देखो गाइस क्या होता है, यहाँ पर मैं इसको तो मारता हूँ, बट इसमें थोड़ा सा क्या है नॉक ऑफ में, इसका जो एरिया है वो काफ़ी छोटा सा है। तो यहाँ पर गाइस मैं भाई देखो पिटने लगाता हूँ यार, भाई मरने वाला हूँ अब तो, कैसे भी नहीं बचने वाला। एंड यहाँ पर गाइस मैं स्टन, देखो इन लोगों को स्टन तो किया, बट गाइस भाई मार देती इनके आगे किसकी चलेगी। तो यहाँ पर चलो गाइस आपका भाई एक और लौट के आ गया है, तो फिर से मैं टॉप पर ही आया हूँ, और भाई इस बार नहीं छोड़ने वाला किसी को। तो एक को तो भाई फिनिश करवा दिया मैंने। एंड यहाँ पर भाई ओ नो, अरे यार भाई यहाँ पर सीजर कुछ ज़्यादा मतलब भाई इनका बढ़िया खेल रहा है, तो इसकी सीजर की यार एचपी रिकवर होती रहती है, तो यहाँ से निकलनी पड़ेगा। और यहाँ पर ये सीन देखो गाइस क्या होता है, तो मैंने आपसे क्या कहा, आप इसकी स्पीड को मतलब थोड़ा सा भाई हाई करोगे तो यहाँ पर भाई इनविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इनविजिबल हो जाता हूँ और बच जाता हूँ। तो ऐसा भाई काफ़ी टाइम बार आया है मेरे साथ, मतलब भाई बंदों को ऐसे मतलब आंखों में धूल जो गया ना मैंने, कि भाई उन लोगों को तो ज़्यादा इरिटेट कर दिया कि वो लोग भाई देखो उन लोगों को ये नहीं पता मैं कहाँ से आता हूँ कहाँ चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई इसको मैं फिर से मारता हूँ। एंड यहाँ पर ये देखो पोशन का इसने यूज़ कर लिया, तो चलो निकलते हैं। और यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा निकलने वाला होता हूँ, तो फिर से बीज आ जाती हैं, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर चलो यार पहले बीज ले लेते हैं। एंड यहाँ पर देखो जितनी ज़्यादा आपकी लेवल ग्रो होगी उतनी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पर जल्दी से लेता हूँ। एंड यहाँ पर ओ नो, चलो यार निकलना पड़ेगा मुझे। और यार देखो मैं आपको बताना भूल ही गया, तो यहाँ पर इसकी जो दूसरी मूव है गाइस वो है फेंट अटैक। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया गाइस, यहाँ पर इसका यूज़ ये है कि इसकी जो भाई देखो बम्बे के गोले हैं ना गाइस, ये देखो कॉइन देख सकते हो गाइस, तो यहाँ पर ये कॉइन का ही मतलब रूप ले लेते हैं, जिससे मतलब उन बंदों को लगता है अपोनेंट के भाई ये कॉइन है, बट यहाँ पर ये कॉइन नहीं होती है। तो यहाँ पर चलो गाइस 2 बंदों को मैंने मार दिया, यहाँ पर 2 की स्टिक मिल गई, नाइस। और यहाँ पर देखो मैंने आपसे क्या कहा, ये कॉइन समझते हैं और कॉइन उठाने आते हैं, और यहाँ पर इनकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो मैंने इसी मतलब जो कॉम्बिनेशन है मूव्स के वही यूज़ कर रहा हूँ। एंड आप चाहो तो भाई इसको यूज़ करना भाई काफ़ी बढ़िया है। तो भाई चले चलते इसको भी परेशान करते हैं। एंड यहाँ पर भाई काफ़ी लोगों की मैंने हेल्प की है वैसे तो अपने बंदों की, तो यहाँ पर चलो यार इन लोगों को मारते हैं। एंड यहाँ भाई रुक रुक, अरे भाई देखो ये तो भाग गया भाई, इसको तो भगा दिया मैंने, अरे भाई दूर से मारा बट कोई नहीं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं गाइस। एंड यहाँ पर भाई देखो गोल गेटर लगा के गोल कर रहा है वो, तो यार डोटरी हमारा। एंड यहाँ पर ही मर जाएगा, अरे मार देगा इसको, ओ नो भाई मार दिया। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे इजीली निकल जाऊँगा। और यहाँ पर देखो भाई फिर से चकमा देके भाई इसको भाग गया मैं। एंड यहाँ पर गोल, भाई देखो गाइस जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अब तक गोल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई मैं गायब हो जाता हूँ, मेरे को इन लोगों को दिखता ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ। एंड यहाँ पर भाई रेजी लेके आ गया, और भाई हमारे बंदे देखो अभी तक कोई आए नहीं है टॉप पर। तो यहाँ पर देख सकते हो यार ये बंदा पिट रहा है, चलो इसकी हेल्प करते हैं। और यहाँ पर अपोनेंट में भी देखो सेवल आई है, चलो इसको फिनिश करते हैं भाई, ये एक तो गया बंदा। एंड मेरे पास यूनाइट है, तो यहाँ पर गाइस ये सीन देखो भाई आपके साथ भी ये सीन हो सकता है, बताए क्या, अगर आप इसकी यूनाइट मूव चलाते हो, अगर आप यूनाइट मूव चलाते हो, अगर बंदा आपके मतलब बैक यानी पीछे आ गया, तो आपकी यूनाइट मूव किसी काम की नहीं है इसमें भाई, इसकी यूनाइट मूव किसी काम की नहीं है, अगर बंदा बैक में आ गया, ठीक है, यानी पीछे आ गया। तो यहाँ पर चलो यार मेरी एक बार तो यूनिट मूव बेस्ट हो जाती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता क्या होता है। तो यहाँ पर चलो चलते हैं, इसको मारते हैं। एंड यहाँ पर फिनिश करवा दिया, नाइस। तो मेरी भाई 1 HP है, तो यहाँ पर चलो बैरी वगैरह इसको खाते हैं। एंड चलो यार थोड़ी सी HP रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलो गाइस हम लोगों ने रेजी लेके ले लिया। एंड मैं आपको बता रहा था जो इसकी यार यूनिट मूव है उसके बारे में, तो वैसे तो इसकी यूनिट मूव काफ़ी बढ़िया है, बट वो क्या करती है मैं आपको बता देता हूँ। मतलब आप किसी बंदे पर, अपोनेंट के बंदे पर अगर आप यूनिट मूव चलाते हो, तो वो उसको भाई देखो अपने घर पर भेज देगी, यानी उसके बेस पर भेज देगी, एंड डैमेज है वो थोड़ा बहुत करेगी, ठीक है। बट गाइज एक बात का और ध्यान रख लेना, अगर आप किसी बंदे पर अपोनेंट के यूनिट मूव चलाते हो इसकी सेवलाई की, तो आप गाइज बंदे को उस टाइम मत मारना, क्योंकि आप उस टाइम उससे लड़ोगे या उससे फाइट करोगे तो उसका मतलब आपकी ये यूनिट मूव है भाई उस वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, और वो गाइज वहाँ पर मतलब अपने बेस पर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दी,
तो यहाँ पर चलो गाइस इन लोगों की हेल्प करते हैं, और यहाँ पर एक बंदा डेड हो गया हमारा, बट कोई नहीं। तो यहाँ पर तो देखो थोड़ा सा मेरा यूनिट बुक सही चलता है, और यहाँ पर देखो ये स्टन हो जाता है, यानी ये बेस जा रहा होता है। तो यहाँ पर बटन हम लोग क्या करते हैं, इसको भाई मारते हैं, तो ये भाई बेस नहीं आता, बट इसकी जो मतलब मेरी यूनिट मूव है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। मतलब ये समझ लो कि इसको चक्कर से आते हैं, और मतलब थोड़ी देर के लिए मतलब स्टन हो जाता है इसकी यूनिट मूव से, ज़्यादा यही यही रहता है इसका सीन, क्योंकि बेस पर तो भाई काफ़ी कम बंदे जो पहुंच पाते हैं भाई। देखो जब तक वो बेस पर पहुँचा गया इतनी देर में तो आपके कोई टीम का बंदा उसको मार भी देगा, क्योंकि वो स्टन जो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलो गाइस मैं बॉटम में आ गया हूँ इस टाइम, एंड बॉटम में दो दो बंदे होते हैं, तो यहाँ पर एक और सेवल आई होता है, पता है ये तो मुझको दिखता ही नहीं गाइस भाई, बहुत कम दिख रहा है, पता है इनका सेवल आई कैसा खेल रहा है। तो यहाँ पर चलो इन लोगों को फिनिश करते हैं, और यहाँ पर यही इसको फिनिश कर दिया, नाइस। तो एक बंदे को तो मैंने फिनिश कर दिया, और यहाँ पर भाई गाइस देखो मेरे पास यूनिट नहीं है, थोड़ा सा मैं बैक ले लेता हूँ, एंड यहाँ पर आने वाली गाइस देखो इसको कैसे मारूंगा इस देखना। यहाँ पर ये सीन देखो भाई, ये ले सोजा, एंड ये भाई खत्म। गाइस देखो दोनों को फिनिश कर दिया गाइस मैंने, सेवल आई को भी फिनिश कर दिया अपोनेंट के, एंड वहाँ पर भाई देखो उसको भी ईजिली मार दिया। तो यहाँ पर चलो गाइस हम लोग टॉप पर आ गए, एंड टॉप पर फिर से हमने लेना स्टार्ट कर दिया रेजे ले की। तो वैसे तो यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग इजीली ले लेंगे, एंड यहाँ पर चलो गाइस नाइस हमको मिल गया। तो यहाँ पर भाई देखो अब ये बंदा आया यार, देख रहे हो गाइस अब बंदा आया ये, एंड यहाँ पर हम लोग इसको इजीली फिनिश कर देंगे, एंड ये फिनिश नाइस, और यहाँ पर यही मरने वाला भाई खत्म। सो फाइनली गाइस मैं आपको इसमें बिल्ड बताता हूँ गाइस, जो इसमें सेवल के यूज़ कर रहा हूँ, तो वो है इसमें मसल बैंड, फोकस बैंड, एंड गाइस तीसरा है फ्लोट स्टोन। यस गाइज ये तीनों बिल्ड है, एंड गाइज आपको इसमें एम्बलम्स भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हो गाइज मेरे ये एम्बलम्स है, तो आप इसको ट्राई करना, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर मैं सीधे मतलब उनके बॉटम में आता हूँ गोल करने के लिए, तो यहाँ पर मेरा इजीली 29 का गोल भी हो जाता है। और यार मेरे पास यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास यूनिट नहीं होती है, मतलब भाई 75% यूनिट, और टाइम्स होने वाला है यहाँ पर, देखो आप देख सकते हो मतलब फाइनल स्ट्रेच होगी गाइज। और यहाँ पर ये बंदे क्या कर रहे हैं हमारे, देखो फाइट ले रहे हैं यार, तो मैं इन लोगों को थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, और एक को तो फिनिश कर दी गाइज मैंने यहाँ पर, एंड यहाँ पर ओ नो भाई ये मार देगा लगता, चलो कोई नहीं इसको देखते हैं यार, और ओ नो भाई ये मार देगा, चलो यहाँ से निकलना पड़ेगा। चलो यहाँ पर फोकस बैंड मेरे का वर्क कर गया, चलो बहुत बढ़िया, एंड अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो मेरी एचपी काफ़ी ज़्यादा लो है, तो मैं फुल करके आता हूँ। चलो गाइस फुल करके आ गए हम लोग, एंड यहाँ पर इन लोगों ने यार देखो पुश करना स्टार्ट भी कर दिया, एंड यहाँ पर चलो मेरे पास अल्टी भी है, तो चलो इन लोगों को चलाना पड़ा, तो यही टाइम है चलाने का। एंड यहाँ पर ये देखो गाइस क्या सीन होता है भाई, देखो एक साथ तीन बंदे सो जाते गाइस, और यहाँ पर भाई ये सीन मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर ये बंदे भाई खत्म, तीन बंदे भाई मैं अकेले मतलब फिनिश करवा देता हूँ अपनी टीम से, एंड यहाँ पर बचता ही अकेला बंदा, चलो इसको ही फिनिश करते भाई, चार बंदे डेड, और यहाँ पर भाई एक और बचे आता है पांचवा। तो यहाँ पर वैसे तो वो टॉप पर है, तो यार उससे मतलब फाइट लेना बेकारी, क्योंकि वो इजीली मेरे को मार देगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं देखता हूँ मतलब देखता हूँ कि वो लेना ले, तो यहाँ पर मैं देखो अपने देखो यार फेंट अटैक यहाँ पर फेंक देता हूँ। यहाँ पर देखो गाइस ये देखो भाई ये ले नहीं पाएगा, तो मैं अब चलता हूँ, देखो एक बंदा आ गया हमारा यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा एचपी फुल करके आ जाता हूँ। तो यहाँ पर चलो गाइस मैं आ गया, और यहाँ पर ये देखो भाई एक एचपी का हमारा बंदा वैसा ये मार देता, अरे यार इनका सीजर काफ़ी बढ़िया खेल रहा है। बट यहाँ पर देखो गाइस सीन क्या होता है भाई, ये देखो मेरे को ही मार देते हैं गाइस, लास्ट टाइम मेरे को मार देते हैं, बट हमारे भाई जो टीममेट्स वो ले लेते हैं, चलो यार कुछ तो अच्छा किया। और यहाँ पर काफ़ी मतलब टाइम से थोड़ा रह गया है, मुश्किल ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर चलो यार टाइम्स होने वाला है, और हमारे भाई तीन गोल बचे हुए हैं, नाइस। तो चलो यार बस गोल ना करते कोई, चलो भाई दो ट्रियो क्या कर रहा है, सो रहा गया क्या। तो यहाँ पर भाई गोल करा, ओ नो नो ओ भाई, अरे यार एक का गोल करा दिया, एंड यहाँ पर टाइम्स हो गए। अब चलो यार चेक कर लेते क्या रहता टोटल गोल। सो फाइनली गाइज हम हो चुके हैं विन, 587 का हमारा टोटल गोल गया है। एंड यहाँ पर गाइज ये देखो मैं क्या देख रहा हूँ भाई, मतलब मैं एमवीपी कैसे बन गया गाइज भाई, 8 किल किए, 9 का सपोर्ट दिया मैंने भाई, नाइस सेवल आई से एमवीपी। एंड यहाँ पर देख सकते हो 64,000 का डैमेज दिया है, नॉट अ बैड। तो यहाँ पर भाई काफ़ी बढ़िया गेम प्ले गया है इसमें, आप लोगों ने देख ही लिया यार। तो एमएलएम्स एंड मैंने भाई देखो बिल्ड का फोटो भी दिखा दिए। सो इस वीडियो में गाइज इतना ही था, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट वीडियो में।